हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 14.3। तो इससे पहली एक्सरसाइज में मैं आपको दो क्वेश्चन इसके करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं किए तो ये वीडियो, इससे पहली वीडियो इसी चैनल पे जाके आप देख सकती हैं। तो आज मैं आपको कराऊंगा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, डिवाइड के सम है ये। तो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, आपके पास क्वेश्चन है जो 10x को हमने डिवाइड करना है 5 से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 है ये थर्ड का। 10x -25 को हमने 5 से डिवाइड करना है, यानी दो पद हैं इसमें, ऊपर और नीचे एक पद है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, ठीक है? दोनों पदों को डिवाइड करते हैं, तो 10x के नीचे 5 लिख देंगे और -25 के नीचे भी हम 5 लिख देंगे, ठीक है? तो अब इसको दोनों से 5 को 10 पे कट जाएगा ये, तो ये 2x रह जाएगा यहाँ पे, 2x, और -5 को 25 पे काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा आपका आंसर, 2x -5, ठीक है? तो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। अब हमारे पास देखो आगे क्वेश्चन है जो इसी का सेकंड पार्ट है, जो वो देख लेते हैं अब हम। तो सेकंड पार्ट है आपके पास, तो वो देखिए कैसे करेंगे। इसमें आ क्या, 10x -25 है और इसको डिवाइड करना है आपने 2x -5 से। अब देखिए, ऊपर भी दो पद हैं, नीचे भी दो पद हैं, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमने क्या करने हैं, ऊपर फैक्टर बनाने हैं। जैसे फर्स्ट पहली एक्सरसाइज में और दूसरी एक्सरसाइज में हमने किया है, फैक्टर बनाने हैं, यानी इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या आएगा। तो हम देख लेते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, और ये x है, और -25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, ठीक है? और नीचे ऐसे ही लिख देंगे, 2x -5, ठीक है? तो अब देखिए, यहाँ पे 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में 5 है, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं हम बाहर, फिर देखते हैं क्या बनता है, ठीक है? जो जो भी कॉमन चीज़ आती है उसको, जो दोनों में हो सांझे हो, उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 5 बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये 5 यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया 2x बच गया, 2x माइनस, अब यहाँ से 5 ये आ गया, और जो कॉमन होता है ना उसको हम एक बार बाहर लिखते हैं, अंदर उसको नहीं लिखते। तो फिर ये एक 5 बच गया है, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है? और नीचे ये ही लिख दिया, 2x -5। अब ये देखिए, ये 2x -5 और 2x -5 दोनों सेम है, तो इसको हम इससे काट देते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या बच गया, 5, तो ये 5 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने डिवाइड करना है, जब ऊपर भी दो पद हों, नीचे भी दो पद हों, तो हमने क्या करना है, ऊपर या नीचे दोनों में से अगर कोई कॉमन चीज़ आती है, कॉमन लेके फिर देखते हैं, अगर वो कटता है तो काट देते हैं। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। बाकी हम अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, तो ये आपने कर लेना है, ठीक है? तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या होगा। तो इसमें थर्ड पार्ट है आपके पास, जैसे आपके पास 10y है, ठीक है, और ब्रैकेट में है 6y -+21 है, ठीक है? फिर उसके बाद है आपके पास नीचे देखिए 5y है, 5 है, और 2y+7 है, ठीक है? अब 5 से तो ये 10 कट जाएगा, तो इसको तो यहीं काट देते हैं हम, तो 2 आ गया, ठीक है? तो अब बाकी, अब इसमें से देखते हैं कॉमन आएगा कुछ, तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 6 3 के टेबल में भी आता है, 21 के 21 भी आता है 3 के टेबल में, 6 भी आता है,
तो तीन कॉमन ले लेते हैं, और ये वाई तो है ही बाहर, तो यहाँ पे हमने तीन कॉमन ले लिया, ठीक है। ये तीन कहाँ से लिया, अंदर से, और ये वाई तो था ही, और ये दो भी आएगा, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा बाहर। चलो इसको 2 भी लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अब क्या हुआ ये, अब यहाँ से 3 कॉमन लिया ना जैसे, तो यहाँ पे 2 वाई बच जाएगा, तो 2 वाई जमा, और यहाँ पे 21 को 3 से भाग देंगे क्योंकि कॉमन ले लिया हमने, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे भी क्या है, 2y+7। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया ना वैसे भी आप कर सकते हो, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो ये दोनों कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 दूनी 6, तो 6, और ये y बच गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। ऐसे ही आप फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए इसी का फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं। तो आपने कर लिया होगा इसको, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में है जैसे 9x² है, ठीक है, y² है, और ब्रैकेट में 3z-24, और इसको डिवाइड करना है किसे, नीचे देखो लिख लेते हैं 27, ठीक है, x y और z-8। अब जो कटता है यहीं काट लेते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर होता है ना मल्टीप्लाई में, उसको हम काट सकते हैं अगर वो कट रहा है। तो 9 एकम 9, 9 3 27, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, y से 1y कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर xy बचेगा और नीचे 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा है, xy, ठीक है, और इसमें से हम क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये 3, ठीक है, यहाँ पे z बचेगा, और 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे, तो यहाँ 8 बच जाएगा क्योंकि 3 हमने बाहर ले लिया है कॉमन, तो ये -8 आ जाएगा, और नीचे क्या है, 3z-8, 3z-8, ठीक है। अब देखो 3 भी है, या 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, z-8 से z-8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचा है अकेला xy, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अगला क्वेश्चन भी कर लेना है, फिफ्थ पार्ट भी कर लेना है आपने इसका, ठीक है। तो चलो मैं करा देता हूँ फिफ्थ पार्ट भी। तो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें फिफ्थ पार्ट में आपके पास है जैसे 9 96 ABC है, 96 ABC, और ब्रैकेट में क्या है, 3A-12, इसको, और ये भी है 5B-30, इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 144 यानी 144 A-4 और B-6 से, ठीक है। तो इससे डिवाइड करना है, तो ये देखिए किस 96 और 144 दोनों किसके टेबल में आते हैं पहले, तो ये देखिए, तो 12 के टेबल में आते हैं शायद, ये 12 के, 12 8 96 और 12 निम्मा 144, नहीं किस में आएंगे, 16 के टेबल में आएंगे, 16 6 96 और 16 निम्मे 144, ठीक है। 16 के ये 6 पे कट जाएगा, और 16 पे 9 पे ये नीचे कट जाएगा, ठीक है। और अब ABC है, अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 3 और 12 के भी 3 के टेबल में होता है, तो ये 3 बार कॉमन आ जाएगा, तो हम क्या लिख लेते हैं, ये 6 और ये भी कट जाएगा ऐसे, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 3 9 होते हैं, ठीक है। तो ये 3 के टेबल में दोनों कट जाएंगे,
तो ये आ जाएगा दो ए बी सी, दो ए बी सी, और यहाँ से तीन कॉमन ले लिया मैंने, गुना तीन, और अंदर आ जाएगा ए माइनस चार, ए माइनस चार, ठीक है। और फिर गुना, यहाँ से दोनों से पाँच कॉमन ले लेता हूँ मैं, पाँच, और यहाँ रह जाएगा बी माइनस छः, बी माइनस छः, क्योंकि इसको भी पाँच से भाग देंगे तो पाँच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाँच कॉमन लिया, और तीस को भी पाँच से भाग देंगे तो छः आ जाएगा, ठीक है। जो कॉमन लेते हैं ना उससे हम अंदर भाग देते हैं सभी को। यहाँ से जैसे तीन कॉमन लिया तो तीन से इसको भी भाग देंगे, इसको भी, तो ये आ जाएगा ए माइनस चार। ऐसे ही नीचे से देखते हैं, ये तीन बचा है और यहाँ बचा है ए माइनस चार और बी माइनस छः, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस तीन को तीन से कैंसिल कर देते हैं इससे, ठीक है, इसको तीन से कैंसिल कर दिया, ए माइनस चार को ए माइनस चार से कैंसिल कर दिया और बी माइनस छः को बी माइनस छः से। अब क्या बचा है ऊपर, नीचे तो सभी कैंसिल हो गए, ऊपर देखिए दो ए बी सी बचा है और पाँच बचा है, तो पाँच को दो से गुणा कर दें, पाँच दूनी दस, तो ये आ जाएगा दस और ए बी सी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दस ए बी सी, ठीक है। तो ये आंसर है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है आपके पास, जैसे क्वेश्चन फोर्थ है, इसमें है निर्देशानुसार भाग दीजिए, यानी जैसा आपको निर्देश दिया जाता है उसी के अनुसार आपने भाग देना है। तो पहला पार्ट है, जैसे आपके पास है पाँच, दो एक्स जमा एक या टू एक्स प्लस वन, और मल्टीप्लाई है थ्री एक्स प्लस फाइव। अब इसको डिवाइड करना है हमने 2x प्लस 1 से, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरे का पूरा क्या है, एक ही पद है, क्योंकि इनके बीच में गुना है, यहाँ भी और यहाँ भी गुना। अगर यहाँ जमा या माइनस होता तो हम क्या करते, इसको इससे भी भाग देते, इससे भी, लेकिन यहाँ पे गुना है, यहाँ भी गुना है, तो ये पूरा एक पद है, ये नीचे भी एक ही पद है। तो अब ये देखिए, इसमें क्या है, 2x जमा 1 है, 2x जमा 1 दोनों चीज़ें सेम हैं, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं हम पूरे का पूरा। तो अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं 5, और ये 3x जमा 5, 3x जमा 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। ऐसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ, तो सेकंड पार्ट देखिए कैसे होगा, 26 एक्स वाई और x जमा 5, ठीक है, और y माइनस 4। तो इसी तरह से हमारे पास इसको डिवाइड करना है 13 x और y माइनस 4 से, ठीक है। अब देखिए 13 को 26, 13 के टेबल में 26 आता है 2 पे, ठीक है, 13 दूनी 26 होते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस y माइनस 4 और y माइनस 4 दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर बचा है 2y और x जमा 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2y इंटू एक्स जमा 5, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो थर्ड पार्ट भी कर देते हैं, चलो इसका थर्ड पार्ट भी करा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं कर पाते जल्दी से आप, तो वीडियो को पॉज करके आप सवाल कर सकते हैं, और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे और आपकी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास थर्ड क्वेश्चन, जैसे 52
पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है हमने किससे करना है, 104, 104 पी क्यू और क्यू प्लस आर और आर प्लस पी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लिया है, इसको देखो। 52 वन जा 52 और 52 टू जा, यानी ये 52 को 2 से गुणा करेंगे तो 104 आता है, ठीक है। अब ये पी है और ये पी है, कैंसिल कर देते हैं। ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाता है। और अब देखिए ऊपर क्या है, क्यू प्लस आर है और क्यू प्लस आर दोनों सेम है, ये कैंसिल कर देते हैं। आर प्लस पी है, आर प्लस पी कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, 1 बचा है, आर बचा है और पी प्लस क्यू बचा है। तो ऊपर तो जो बचा है वो लिख लेते हैं, आर इंटू पी प्लस क्यू। और नीचे क्या बचा है देखिए, 2, नीचे 2 ही बचा है और कुछ बचा ही नहीं, तो 2 हम लिख लेते हैं। तो और ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। अब वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे ये मैंने लिख लिया है, इसमें हम 5 को काटेंगे 20 पे, 5 और 20 होते हैं, 4 आ जाएगा। और y+4 और y+4 सेम है, ये कट जाएंगे। और बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं ये आंसर। तो ये आ जाएगा आपके पास 4y²+5y+3, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से आपने फिफ्थ पार्ट भी कर लेना है, इसमें x के साथ x कैंसिल हो जाएगा फिफ्थ पार्ट में, देखिए यहाँ पे, ठीक है। x के साथ क्या हो जाएगा, x कैंसिल होएगा और x+1 से x+1 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा x+2 और x+3, ठीक है। x+2 × x+3 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन ये कर लेने हैं। हमारे पास रह जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके लिए मैं अगली वीडियो कराऊंगा, नहीं तो इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं नए क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी इसके शेयर करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।